press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निमरा अहमद को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ना सिर्फ ये बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि नाज़िया जी पाकिस्तानियों की बहुत ही मजे लेने वाली है। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये कि अगर पाकिस्तान सच में इस्लामिक देश है, तो फिर तो उसको इस्लाम के सारे नियम कायदे मानने चाहिए, उसको शरीयत को मानना चाहिए। और मैं ये भी आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि सऊदी अरब वाले पाकिस्तान में जो मुस्लिम है और जो भारत में, उनको अपना अपना भाई मानते ही नहीं, उनको असली मुसलमान मानते ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। हम अगर अरब में पैदा हुए हैं, या मेरे बाप दादा अगर अरब में पैदा हुए, तो कभी जिंदगी में हम भारत आते ही नहीं, कभी नहीं आते। और अगर हम भारत में मेरे बाप दादा पैदा हुए हैं, तो फिर हम मुसलमान है ही नहीं ना, हम तो कन्वर्टेड है। ये चौधरी, ये जो टाइटल है चौधरी का, बट का, उसके बाद फिर मंडल का, फिर सरकार का, ये सारे टाइटल क्या है? ये हमारे कुरान में लिखे हुए है क्या? ये तो हमारे कुरान का वर्ड ही नहीं है, ये तो हिंदुओं का टाइटल है। ये सारे मुसलमानों के टाइटल जो चौधरी, बट और ये सब जो नजर आते हैं, मंडल, सरकार जो नजर आते हैं, ये तो कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड है। अब अगर आपने कहा पाकिस्तान इस्लामिक देश, कभी जिंदगी में नहीं। पाकिस्तान अगर इस्लामिक देश होता, तो कुरान का पहला वर्ड इकरा, एडुकेशन पर ज्यादा तवज्जो देता। भाई अरब, अरब एडुकेशन पर तवज्जो देता है? आप अरब की लड़कियों से मिलिए, अभी हमने देखा ना अबू धाबी की बच्चियों को, भाई फर्राटे से अंग्रेजी में बात कर रही है, अरबी में बात कर रही है, फर्राटे, बाप रे बाप, क्या क्या लड़कियों, हम मतलब फॉरेन कंट्री की लड़कियां देख के शर्मा जाएंगी अरब की लड़कियों को। जो एडुकेशन, जो नॉलेज है उनके पास, पूरी देश दुनिया का नॉलेज था छोटी छोटी बच्चियों के पास। तो कुरान का पहला वर्ड इकरा, इल्म हासिल कर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग में सहाबा किराम के साथ तकरीबन 3000 बार बोला है, जो कुरान में जिक्र है, कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। एक एग्जाम्पल दी, तो चीन को अपना आंखा तो बना लिया है अश्लीलता के लिए, लेकिन चीन तक पढ़ने नहीं गया है पाकिस्तान। तो कुरान में 800 बार जहां पर इल्म हासिल करने की पेशन गोई कही गई है, जो तबलीग किया गया है, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने किया है, उसको भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है। शिक्षित तो नहीं है पाकिस्तान, एक आदमी भी शिक्षित नहीं है। अब आती है बात कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो पहली बीवी थी और धरती पर, जमीन पर पहली औरत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उससे पहले सब बनी इसराइल और यहूदी थे, तो वो बिजनेस टाइकून थी। तो औरत को इज्जत क्या पाकिस्तान में दी जाती है? क्या? कभी नहीं दी जाती है। तो यहां पर भी वो कुरान नहीं मान रहे। बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो जंग के मैदान में तलवार लेकर के चले जाती थी, और पाकिस्तान में और भारत के मुसलमान क्या बोलते हैं? औरत को हिजाब पहना। हम हिजाब पहन लेंगे तो तलवार किसी को क्या मारेंगे? अपने में ही तलवार मार लेंगे। अब आते हैं बीबी आयशा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो जब भी बैठती थी औरतों के साथ, खवातीनों के साथ, तो वो इल्म पर चर्चा किया करती थी, इल्म पर तबलीग किया करती थी। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कुरान बोल रहा है। तो अगर कुरान माना जाता, तो भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान अपनी अपनी माँ बहन बेटियों को इल्म पर रागिब करते, इल्म का प्रचार करते, इल्म की तबलीग करते, कि नहीं, हजरत आयशा को हम मानेंगे, बीबी खतीजा को हम मानेंगे, हम हजरत जैनब को मानेंगे, हजरत सफिया को मानेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। 108 बार और 306 बार अलग अलग जगहों पर जिक्र है इंसानियत का अल कुरान। तो कहां है इंसानियत? ना भारत के मुसलमानों के पास इंसानियत है, और ना पाकिस्तान के मुसलमानों के पास इंसानियत है। तो आप बताइए कहां पर अरब गलत है? अरब तो गलत नहीं है, पर वो अभी अक्टूबर में, 2023 अक्टूबर में ही दो कजन भाई के बीच में झगड़ा हुआ, एक की मौत हो गई, दूसरे को एक साल जेल में भर करके निकाल करके उसका गला रेत दिया गया बीच मैदान में, सऊदी अरबिया में, अभी हुआ अक्टूबर में। तो वहां इस्लामिक कानून एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वहां वैसे ही मानेंगे वो लोग। लेकिन ना भारत मानने को तैयार है इस्लामिक कानून और पनिशमेंट, ना पाकिस्तान मानने को तैयार है, क्योंकि भारत को, अवेशी को भी पता है कि अगर हम इस्लामिक कानून मान लेंगे, तो मुश्किल से 100 मर्दाना बचेगा भारत में।
बाकी सब नामर्द होकर के घूमेगा। और वैसे पाकिस्तान में अगर खोजा जाएगा तो मुश्किल से 10 मर्द बचेगा पाकिस्तान के सड़क पर, बाकी सब नामर्द रहेगा। वही ना नाजा जी, कई बार हमने बात किया है कि शरिया की बात करते हैं, शरीयत कानून की बात करते हैं, तो पूरी तरह से क्यों नहीं लागू करवा लेते। वही बात है ना कि अगर आप इस्लामिक कानून को मानना चाहते हैं तो पूरी तरह से मानो, फिर आप सजा के लिए इंडियन पीनल कोड की तरफ मत देखिए कि चोरी हो गई तो हम FIR दर्ज कराएंगे। Exactly. चोर को पकड़कर सीधे उसका हाथ काट दीजिए। अब यूसीसी आने पे इसलिए तो परेशानी हो रही है, यूसीसी आ रहा है तब कह रहे ना हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। शरीयत तो कहीं संविधान अपनी सहूलियत के हिसाब से, कहीं शरीयत कानून अपनी सहूलियत के हिसाब से, ये दोनों नावों में सवार होकर चलना चाहते हैं ओवैसी और पूरा का पूरा गैंग, जितने मुल्ला मौलवी आजकल यूसीसी के खिलाफ बोलते। इसलिए अरब कहता है कि भाई हम ना भारत के मुसलमानों को मुसलमान मानेंगे और ना ही पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान मानेंगे। तो वो सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर सही तरीके से खोल करके बता दिया, कुरान के हवाले से, शरिया के हवाले से और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। एक चीज और जो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या हम कहें कि सोशल मीडिया पर आता रहता है कि बड़े परेशान है वो कि कैसे अबू धाबी में मंदिर बन गया, 27 एकड़ में इतना बड़ा मंदिर कैसे बना दिया गया। उनको लग रहा है कि इस्लाम के खिलाफ है और उनको लग रहा है कि UAE में ही कैसे हो गया। सबसे ज्यादा ताजुब तो ये जता रहे कि देखो मुस्लिम कंट्री में ऐसा हो गया, परेशान हो रहे हैं वो इस बात को लेकर। तो क्या मतलब अल कुरान में ऐसा है कि किसी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर नहीं बन सकता? नहीं, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूं कि जिन जिन मुसलमानों को अबू धाबी में और अरब के सरजमीन पर मंदिर बनने से प्रॉब्लम है, वो हज और उमरा बॉयकॉट कर दे, इसमें दिक्कत क्या है? बॉयकॉट कर दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? है ताकत, है हिम्मत, तो करके दिखाएं बॉयकॉट। हमने बॉयकॉट मालदीव्स किया तो हमें उसका रिपरकशन मिला ना, हमें समझ में आया ना, और मालदीव्स को ज्यादा समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो अगर वाकई में मुसलमानों को बहुत इस्लाम जाग गया है, पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को बहुत इस्लाम से मोहब्बत है, तो बॉयकॉट कर दो अरब को। ये तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, आपने उनको एक बड़ा अजीबोगरीब चैलेंज दे दिया है। लेकिन नवाज शरीफ जो आए थे भागे भागे पाकिस्तान की PM बन जाएंगे, उनका भविष्य क्या दिख रहा है? खबरें तो ये भी आ रही थी नाजिया जी, क्या वो राजनीति से तौबा कर लेंगे? देखिए, ये जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं अज्जू जी, मैं आपको बता रही हूँ, ये सब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमसे बुलवा करके वहां के युवाओं को जगाएं और फिर सरकार के पास जा करके कहें कि भाई भारत इतना तरक्की कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन युवा ऐसा है वहां का, जो मर्द है युवा पाकिस्तान के, उनको 72 वर्जिन हूर की बात बताइएगा तो वो मजेदारी से सुनेंगे। कैमरा के सामने खड़े होकर के बोलेंगे हमारा इस्लाम हमको इजाजत दिया है 4 बीवी रखने का, हम वो करेंगे। आप शिक्षा की बात कीजिएगा, तालीम की बात करिएगा, वो आपको याद दिला देगा, ए अंजू तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है। करते आप और तो पाकिस्तान की महिलाओं पर जाइए, उनसे पूछिएगा 4 शादी बंद होना चाहिए आपके यहाँ? नहीं, हमारा इस्लाम बोला है एकदम, हम बिस्तर पे धक्का धुक्की करके सोएंगे लेकिन 4 शादी मेरा शौहर करेगा क्योंकि इस्लाम है। तो वो खुद वहां के युवा ये कोशिश जरूर कर रहे हैं ये सारे बच्चे, और इनकी कोशिश को मैं अप्रिसिएट करती हूँ। इन तमाम बच्चों के, इन तमाम लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा है कि पाकिस्तान डेवलप करे, लेकिन आवाम आवाज बनती है, वहां की आवाम इनकी आवाज नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो देखने वाले भी हमारे भारत के ही हैं ज्यादातर, 80%। वहां तो बेचारे आटे के लाले पड़े हुए, इंटरनेट सेवाएं कहाँ ले पाएंगे वहां के लोग, कितने लोगों के पास वहां मोबाइल होगा? इंटरनेट सेवा होता भी है ना, तो वो लोग ये सब स्पीच नहीं सुनेंगे। प्रोडक्टिव स्पीच, एडुकेट स्पीच, इंटेलेक्चुअल स्पीच वो नहीं सुनेंगे। आखिर उसी आप सर्वे कर लीजिए, मुफ्ती तारिक जमील और मौलाना तारिक मसूद, इनका स्पीच वो सुनते हैं पाकिस्तानी लड़के? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं, उनके फॉलोअर पाकिस्तानी ज्यादा हैं। और ये बच्चे जो बैठ करके या ये लोग जो बैठ करके इंडिया पाकिस्तान को जो टॉपिक बना करके बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्टिव है, ये इंटेलेक्चुअल है। हम बैठेंगे तो हम तो ठरकबाजी वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील बैठता है तो वो तो ठरकी बातें करता है, तो उनको उसी में मजेदारी मिलती है,
उनको हमारे जैसी बातों में, शिक्षित बातों में मजेदारी नहीं मिलेगी। तो देखिए आने वाले साल दो साल में पाकिस्तान के लिए मैंने एक सफेद चादर खरीद के रखा है, भिजवा दूंगी, ठीक है, भिजवा दूंगी वहां के आर्मी को, उड़ा देगा, ठीक है, तो वो कब्रिस्तान बनेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िला खान जी का दमदार और मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने पाकिस्तानियों के खूब मजे लिए, याद किया सीमा हैदर को, जब सीमा हैदर भारत आई थी तो आपने देखा कि उसके हालात क्या थे, आज वो भारत में स्टार बन चुकी है, इंटरव्यूज देने के पैसे ले रही है और घर के बाहर बड़े बड़े बिजनेस खोल रही है। और हमने देखा पाकिस्तानी की अगर हम बात करें तो चाहे पाकिस्तानी का एक आम आदमी हो, कोई मॉडल स्टार हो या फिर पाकिस्तानी नेता हो, सबको आदत है भीख मांगने की। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इसकी लेटेस्ट एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।